हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको ब्लाउज का फ्रंट भाग कट करना सिखाएंगे, जिसमें कप का साइज किस तरह से रखना है और रिगल टक किस तरह से डालना है, और हमारा जो शोल्डर स्लिप होता है वो नहीं आए, किस तरह से हमें ब्लाउज की कटिंग करना है। यकीन मानिए, आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको फिर कभी दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है किसी का भी, क्योंकि इसमें बहुत सुकून के साथ हमने समझाया है कि ब्लाउज को किस तरह से कट करना है, और बहुत ही परफेक्ट तरीके से। आप भी इस तरह से कट करेंगे तो यकीन मानो बहुत ज़बरदस्त आपकी भी कटिंग और फिटिंग दोनों ही आने वाली है। शर्त यह है कि आपको भी मेजरमेंट एक अच्छी तरह से आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ऊपर की तरफ एक निशान दे देंगे, ये मार्जिन के लिए भी हम एक निशान दे देंगे। उसके बाद में यहाँ हम साइड के लिए भी एक निशान दे देंगे, ये मार्जिन के लिए देंगे, जो हमारा फ्रंट होता है उसके लिए। अब हमें यहाँ से नीचे तक ड्रॉ करना है, मार्क लगाना है, जो हमारा बस्ट पॉइंट है वो 10 इंच है, और जो हमारा वेस्ट है यानी कप साइज वो 13 इंच है। आप एक निशान दे देंगे। इसी तरह हमारा जो बैक में हमने 6 इंच रखा था आर्म होल के लिए, जो लाइन बनाई थी, यहाँ हम 1/2 इंच कम रखेंगे, यानी 5.5 पे एक निशान दे देंगे। अब हमें इन निशानों को सीधा कर लेना है इस तरह से, पूरे निशानों को सीधा कर लेंगे। तब हमारा जो चेस्ट है उसका चौथाई भाग लगाएंगे, यानी 9 चौक 36, तो 9 इंच पे एक निशान दे देंगे। उसके बाद हमें जो हमारा वेस्ट है वो 38 इंच है, तो 9.5 पे एक निशान दे देंगे। इसके बाद में हमें लूसिंग के लिए क्या करना होता है, कितना लूज़ करना होता है ब्लाउज ताकि परफेक्ट आए, तो यहाँ पे हम 1/4 इंच एक एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे, और यहाँ चेस्ट में भी 1/4 इंच देंगे। अब हमें इस निशान पे नहीं, हमें इस वाले निशान पे निशान लगाना है सीधा, इस तरह से निशान लगा देना है। इधर मार्जिन के लिए एक निशान लगा देना है, और हमारा जो अपेक्स है यानी B2B बस्ट टू बस्ट का जो दूरी है वो 7 इंच है, तो हम वहाँ पे हम एक निशान देंगे। उसके बाद यहाँ से नीचे तक एक सीधा निशान दे देंगे। एक निशान और लगाना है, ये लगा भी सकते हैं आप, नहीं भी लगा सकते हैं। ये जो हमारा कप साइज है, इसके जो बीच का जो भाग है उससे 1/2 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे, इसको भी हम सीधा कर लेंगे। अब हमारा जो चेस्ट वेस्ट है वो कितना है, जो हमारा कमर है वो कितना है, उसका निशान लगाएंगे। हमारा कमर 7.5 इंच है, तो हम 7.5 पे एक निशान दे देंगे। उसके बाद में देखेंगे हमारे यहाँ से यहाँ तक कितना है, लेकिन हमें इतना टक नहीं डालना है, बल्कि यहाँ से 1/2 इंच इधर को निकाल के तब मेजर करेंगे, तो 4.25 इंच आ रहा है, तो हम 4.25 का इस तरह से हाफ कर लो। आप एक निशान इधर दे दो और एक इधर। अब हमें स्केल की मदद से अगर सीधा लगाओगे तो उतना अच्छा आपका कप का शेप नहीं आएगा, इसीलिए अगर आप आर्म कर्व की मदद से अगर शेप लगाते हैं तो ये जो कप होता है उस पर बहुत बेहतरीन तरह से ये बैठता है, तो आप हमेशा आर्म कर्व की मदद से ही निशान लगाएं। यहाँ देखिए, इधर लगा लिया, अभी इधर भी। अब इसी तरह से यहाँ से और यहाँ तक, इस मार्जिन पे नहीं, इस मार्जिन पे, यहाँ यहाँ भी नहीं, ये जो निशान अगर यहाँ तक जो जा रहा है, अगर आपका जाएगा निशान लगाए, तो यहाँ से स्केल को इधर नहीं रखना है बल्कि यहाँ रखना है। जो हमने 1/4 इंच का मार्जिन लिया था ना, वो यहाँ 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा, और बाकी जो बाकी बचेगा वो लूसिंग के लिए, तो यहाँ से इसको और इसको सीधा कर देंगे।
इसी तरह से इस मार्जिन को, ये लोअर जो बस्ट है यहाँ से इसको हम सीधा कर देंगे। अब हमें आर्म कर्व की मदद से इसको शेप देना है। ये आर्म कर्व की मदद से इस तरह से नीचे का ये शेप देना है। अभी हमें यहाँ पे एक टक और देना है, इस टक के देने के लिए 1.5 इंच यहाँ पे हम दूर कर लेंगे इस तरह से, इससे 1/2 इंच ऊपर की ओर इसको इस तरह से दे देना है निशान, और इसको इस तरह से, और इसको यहाँ से इस तरह से। ये तो हमारा टक कंप्लीट हो गया। अभी हमें जो हमारे जो बैक है उसके अकॉर्डिंग हमें निशान लगाना है ऊपर। यहाँ जो हमारा 2 इंच का शोल्डर फिनिश था ना, वो हमें पूरा इस तरह से ब्लाउज को रख के, ये देखिए बैक ये निशान पे है, ये मार्जिन आ जाएगा इधर। इसको पूरा इस तरह से रखने के बाद यहाँ ऊपर की ओर इन निशान पे सीधा ऐसे कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हमें सीधा निशान लगा लेना है, सीधा इधर और सीधा इधर। जो हमारा फ्रंट नेक था वो 6.5 इंच था, तो हम 6.5 पे एक निशान लगा देंगे और इसको भी हम इस तरह से कर लेंगे। अब हमें आगे का नेक थोड़ा वाइड रखना होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्केल की मदद से ऐसे लेकर जाएंगे मैं यहाँ हाथ से शेप देता हूँ, अभी स्केल से दे रहा हूँ, इस तरह से आगे का भाग वाइट कर लेंगे। ये वाइट करने के बाद में क्या करना होगा, इस मार्जिन को और इस मार्जिन को भी, ये मार्जिन अभी नहीं चाहिए, अभी एक मार्क को यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे। वैसे आपकी पसंद है कैसा शेप देना है, मैं तो हाथ से दूंगा, तो इधर से ये वाइट मुझे ज़्यादा पसंद है इस तरह का। तरह से दे सकते हैं। अभी आपको एक रीगल के लिए करना है, तो आर्म कर्व रखेंगे और यहाँ से इसका अच्छे से बैठा के यहाँ एक शेप दे देंगे ये। अब हमें इससे यहाँ से इसका जो क्रॉस है ना, वहाँ से हमें इस तरह से निशान रीगल टक के लिए लगाना है, और ये 2 इंच की दूरी पे टक का निशान देना है। अब हमारा जो आर्म होल्ड है वो 16 था, 1 इंच प्लस किया तो 17 हुआ था। अब हम इसको मेजर करेंगे कितना ये आ रहा है, ये 9.5 आ रहा है, यानी हमें 8.5 चाहिए था। तो 1 इंच का हमारा जो मार्जिन है वो हम यहाँ पर इस डार्ट के अंदर एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ आप इस मार्जिन को डाट के अंदर एडजस्ट कर देंगे। अभी हमें इसका कटिंग करना होगा, तो किस तरह से करना है, यहाँ का जो भाग है इसको हम 1/2 इंच का मार्जिन देंगे, इधर ऑलरेडी है, इधर हम इस निशान पर फिक्स कर कट करेंगे, इधर हम फिक्स करेंगे, इधर हम मार्जिन देके कट करेंगे। तो चलिए अब हम इसको कट करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम ये ऊपर का भाग कट करेंगे, उसके बाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यकीन मानो ये ब्लाउज इस तरह से आप भी कट करेंगे तो 100% बहुत प्यारी कटिंग आपकी और फिटिंग आने वाली है, तो आप भी ट्राई करना इस तरह से। फिर मुझे आप कमेंट करना कि आपका ब्लाउज किस तरह का बैठा है और इसका बेल्ट कैसे कट करना है। ऊपर कार्ड में वीडियो शो होगी, वहाँ से क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। हम इसको पूरे को कट कर लेंगे।
अब हमें इसके बाद यहाँ से ये नोचिस लगाना है ये फुट का। तो हमारे यहाँ डाटा आएगा यहाँ से पूरा इसको कट का लगा लेंगे। यहाँ से ये हमें ड्रेसिंग व्हील की मदद से इसको पूरे निशान को ऐसे कॉपी कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट कट हो गया है। ये देखिए हमारा कितना प्यारा ये बैठा है। यहाँ से आप इसको इस तरह से सिलाई मारते हुए जाएंगे यहाँ से। तो ये देखिए इस तरह से इसको पूरा ये देखो परफेक्ट आ रहा है। इस तरह से अगर आप भी कट करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त आपकी कटिंग और फिटिंग दोनों ही आने वाली है। ये देखिए निशान टू निशान है। यहाँ से पूरी अगर आप सीधी सिलाई मारेंगे तो बहुत ज़बरदस्त आपकी कटिंग और फिटिंग दोनों ही आने वाली है। उसके बाद यहाँ देखो यहाँ भी ये मार्जिन जो है पूरा जो हमने यहाँ क्रॉस काटा था आगे के भाग में देखो इस तरह से ये भी जुड़ने के बाद पूरा एकदम सीधा आ जाएगा। ये हमारा कप हो गया तैयार।